हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लवकुश कुशवाहा फ्रॉम गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम कुरांव प्रयागराज। आज हम क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट साइंस लेसन टू चैप्टर एनिमल्स वर्ल्ड है। एनिमल्स वर्ल्ड मतलब जानवरों की दुनिया। तो जानवरों की दुनिया के बारे में आइए बच्चों हम जानते हैं। तो जानवरों की दुनिया में पहली टॉपिक है यूजफुलनेस फॉर एनिमल्स, जानवरों की उपयोगिता, जानवरों का हम किस तरह से उपयोग करते हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स फॉर मेनी थिंग्स। इंसान जो है बच्चों कई चीज़ों के लिए जो है जानवरों पर निर्भर है। एनिमल्स प्रोवाइड अस प्रोडक्ट्स फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। पशु हमें भोजन, कपड़े और आश्रय के लिए उत्पाद प्रदान करते हैं। इस तरह से जो है हम जानवर पर निर्भर रहते हैं। अब अगला टॉपिक है यूज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, घरेलू जानवरों की प्रयोग। घरेलू जानवरों का प्रयोग किस तरह से होता है इसके बारे में जानेंगे। पहला है आपका एनिमल्स लाइक डॉग आर केप्ट इन हाउसेस टू प्रोवाइड सेफ्टी। जानवरों जैसे कुत्तों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए घरों में रखा जाता है। तो जानवर जो हमारे घरों में पाले जाते हैं वो अपने घर की सुरक्षा के लिए ही पाले जाते हैं। दूसरा है सेकंड, वी यूज एनिमल्स लाइक बुल्स, हॉर्स, कैमल्स इटीसी एज फार्म एनिमल्स। हम पशुओं जैसे बैल, घोड़े, ऊंट आदि का उपयोग खेतों में जो है इनका प्रयोग करते हैं जोतने के लिए, कोई भी भारी सामान को ढोने के लिए। इस तरह से जो है हम जो है जानवरों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये फॉर एनिमल्स कहलाए जाते हैं। दे आर यूज्ड फॉर प्लाउजिंग और द फील्ड्स, इनका उपयोग खेतों की जुताई के लिए भी किया जाता है। थर्ड है एनिमल्स आर ऑल्सो यूज फॉर स्पोर्ट्स, जानवरों का उपयोग यहाँ तक कि हम खेल के लिए भी करते हैं। सच एज हॉर्स आर यूज फॉर स्पोर्ट लाइक हॉर्स रेसिंग, पोलो इटीसी। और जानवरों का हम इस तरह से भी प्रयोग करते हैं जैसे घुड़दौड़, पोलो आदि खेलों के लिए घोड़ों का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह के जानवर क्या हैं कहलाए जाते हैं, बुल फाइटिंग कहलाए जाते हैं। उनको हम इंग्लिश में बुल फाइटिंग भी बोलते हैं जो कि खेलों में इनका हम प्रयोग करते हैं। तो बुल्स आर यूज फॉर अ स्पोर्ट कॉल्ड बुल फाइटिंग, मतलब कि ये एक तरह से बैल का उपयोग हम बुल फाइटिंग के लिए भी करते हैं। इट इज अ वेरी पॉपुलर इन स्पेन, यह स्पेन में बहुत ही लोकप्रिय है। यह जो है स्पेन में बहुत लोकप्रिय है। फोर्थ, हॉर्स, कैमल, म्यूल्स, डोंकी एंड एलिफेंट आर यूज टू कैरी लोड्स ऑन डियर बैक्स और ड्रॉ लोडेड कार्ट्स। घोड़े, ऊंट, खच्चर, गधे और हाथी का इस्तेमाल उनकी पीठ पर भार ढोने के लिए किया जाता है या भरी हुई गाड़ियों को खींचने में भी प्रयोग किया जाता है। इस तरह से जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है। फिफ्थ, सम एनिमल्स आर यूज फॉर एंटरटेनमेंट एज इन सर्कस इटीसी टू डिस्प्ले डिफरेंट स्किल्स। कुछ जानवरों का बच्चों हम मनोरंजन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मनोरंजन के लिए भी जो क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। और प्रयोग किस तरह से करते हैं जानवर का जो है मनोरंजन करने के लिए, जैसे सर्कस आदि जो है मनोरंजन होता है। जब सर्कस जो है जानवर जब दिखाते हैं तब इंसान को क्या होता है मनोरंजन होता है। तब इंसान का क्या होता है मनोरंजन होता है, हम सबका मनोरंजन होता है। इस तरह से कई तरीके जो है निभा निभा करके अपना सर्कस दिखाते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स, जो लोग जानवरों पर निर्भर रहते हैं। तो किस तरह से लोग जो है जानवरों पर निर्भर रहते हैं इसके बारे में चलिए जानते हैं। देयर आर सम ट्राइबल कम्युनिटीज हु
यूज एनिमल्स एज अ मीन्स ऑफ दियर लिवलीहुड। उनके कुछ आदिवासी समुदाय हैं जो जानवरों को अपनी आजीविका के साधन के रूप में उपयोग करते हैं। तो किस तरह से अपनी आजीविका को चलाने के लिए इन जानवरों का उपयोग करते हैं, जैसे कि उनका मतलब कि खेल जानवरों से जो है दिखा दिखा करके उनको जो है प्रैक्टिस करवाए रहते हैं, और फिर जा करके उन जानवरों से अपना थोड़ा बहुत का पैसा उसे कमा करके अपना जीवन यापन करते हैं बच्चों। इस तरह से अपनी आजीविका जो है इंसान अपना चलाता है। यू मस्ट हैव सीन स्नेक चार्मर्स। तो बच्चों आपने सफेदों को जो है देखा होगा। दे मेक द स्नेक्स डांस टू द ट्यून ऑफ दियर लॉन्ग गॉड फ्लूट, जिसको फ्लूट मतलब क्या होता है, बीन जो होता है उसको, उसके जरिए देखते हैं कैसे सफेदों को नचाते हैं। तो वे सांपों को अपनी लंबी लौकी की बांसुरी जो होती है एक बीन की तरह होती है उसी धुन पर जो है सांपों को नचाते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ कैचिंग स्नेक्स एंड ट्रेनिंग देम टू परफॉर्म हैज ट्रेडिशनली बीन पास्ड फ्रॉम फादर टू सन। सांपों को पकड़ने और उन्हें प्रदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित करने का अभ्यास पारंपरिक रूप से पिता से पुत्र तक पारित किया गया है। फॉर जनरेशंस इट हैज प्रोवाइडेड एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ सपोर्ट टू द फैमिलीज ऑफ दीज कम्युनिटीज। पीढ़ियों के लिए इनसे इन समुदायों के परिवारों को सहायता का एक महत्वपूर्ण साधन प्रदान किया है। सिमिलरली बियर्स एंड मंकीज आर ट्रेनेड बाई मदारीज फॉर डांसिंग एंड शोइंग अक्रोबैटिक्स एट द इंट्रैक्शन ऑफ इट्स मास्टर। इसी प्रकार जो है इसी तरह भालू और बंदरों को मदारी द्वारा नचाया और उसके मालिक के निर्देश पर कालाबाजी दिखाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। दीज कम्युनिटीज इंटरली डिपेंड ऑन सच एनिमल्स फॉर दियर लिवलीहुड। ये समुदाय पूरी तरह से अपनी जीविका के लिए ऐसे जानवर पर निर्भर हैं। हाउ एवर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ लॉज दीज कम्युनिटीज हैव लॉस्ट दियर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ लिवलीहुड एंड आर स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल। हालांकि सख्त वन्य जीव कानूनों की शुरुआत के साथ इन समुदायों ने अपनी आजीविका के पारंपरिक स्रोतों को खो दिया है और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एनिमल्स राइट्स ग्रुप्स हैव ऑफ्टन अक्यूज्ड दीज पीपुल ऑफ कजिंग क्रुएल्टी टू एनिमल्स बाई कीपिंग देम इन कैजेस और चेंज्ड टू क्रॉप्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स, बेटिंग देम ड्यूरिंग ट्रेडिंग एंड डिप्रेविंग देम ऑफ दियर नेचुरल हैबिटेट। तो बच्चों पशु का जो है अधिकार समूहों ने अक्सर इन लोगों पर आरोप लगाया है कि वे जानवरों को क्रूरता के लिए पिंजरे में रखते हैं या लंबे समय तक रस्सियों तक जंजीर से बांध कर रखते हैं, प्रशिक्षण के दौरान उनकी पिटाई करते हैं और उन्हें उनके प्राकृतिक निवास स्थान में वंचित करते हैं। इट इज नॉट रॉन्ग टू यूज एनिमल्स टू अर्न अ लिविंग, बट वन शुड बी केयरफुल टू आर नॉट मेकिंग देम ओवर वर्क, गिविंग देम इनफ रेस्ट, फूड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड कीपिंग देम इन टाइडी शेल्टर्स। जीवित रहने के लिए जानवरों का उपयोग करना गलत नहीं है, लेकिन एक
सावधान रहना चाहिए, उन्हें ओवरवर्क मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मतलब कार्य उनसे नहीं लेना चाहिए, उन्हें पर्याप्त आराम और भोजन, पीने का साफ पानी और उन्हें साफ आश्रय में रखने की जो है जरूरत है। इस तरह से जो है जानवरों का जो है अपने दैनिक जीवन में अगर यूज कर रहे हैं तो इस तरह से जानवरों को एक सुरक्षित स्थान से, एक सुरक्षित व्यवस्थित ढंग से उन जानवरों को भी रखने की जरूरत होती है, तब तो उनका जो है पतन नहीं होता है। प्यारे बच्चों, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट इजी फॉर दीज पीपल टू सर्वाइव विदाउट दियर ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ इनकम। हमें यह समझना चाहिए कि इन लोगों के लिए अपनी आय के पारंपरिक साधनों के बिना काम करना आसान नहीं है। दीज पीपल आर नॉट ट्रेंड फॉर मे एनी अदर ऑक्यूपेशन। ये लोग किसी अन्य व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं। वेल डिस्कॉर्डिंग देम टू यूज एनिमल परफॉर्मेंसेस एज मीन्स ऑफ लेवलीहुड, इट इज इम्पॉर्टेंट टू एजुकेट एंड ट्रेन दीज पीपल टू फाइंड अदर यूजफुल ऑक्यूपेशन। आजीविका के साधन के रूप में मतलब कि इंसान जो अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए एक साधन के रूप में जानवर के प्रदर्शन का उपयोग करने के लिए, उन्हें हतोत्साहित करने के लिए इन लोगों को अन्य उपयोगी व्यवसायों को खोजने के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण है। अगली टॉपिक है केयर ऑफ एनिमल्स, जानवरों की देखभाल हमें किस तरह से करनी चाहिए बच्चों। तो चलिए, जानवरों की देखभाल कैसे करनी है। वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। दे आर एल्सो लिविंग बींग्स लाइक अस, वे भी हमारी तरह रहने वाले हैं, वे भी जो है हमारी तरह ही क्या कहते हैं रहते हैं, वे भी हमारी तरह ही रहते हैं। वी शुड नॉट टीस देम, हमें उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए मतलब किसी तरह से उनको परेशान नहीं करना चाहिए, वो भी एक हमारे ही तरह के हैं ना, इसलिए बच्चों। वी शुड लव एंड टेक केयर ऑफ देम, हमें प्यार करना चाहिए उन जानवरों से, क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए जैसे हम अपने अपने बच्चों के साथ या अपने भाई के साथ जिस तरह से अपना तो दिखा करके उनसे प्यार करते हैं, उनको ठेस नहीं पहुंचाते हैं, उसी तरह से जानवरों को भी उसी तरह से पेश आना चाहिए जानवरों से भी। वी शुड प्रोवाइड देम विद गुड फूड, क्लीन वाटर एंड सेफ शेल्टर, हमें उन्हें अच्छा भोजन, स्वच्छ पानी और सुरक्षित आश्रय प्रदान करना चाहिए। वी शुड टेक द सिक एनिमल टू अ वेटरनरी डॉक्टर, हमें बीमार पशुओं को पशु चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। जैसे कोई बीमार पशु है तो उनको जो है डॉक्टरों के पास ले जाना चाहिए, जिस तरह से हम कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टरों के पास ही जाते हैं, उसी तरह से उनका भी जो है देखभाल, उनकी तबीयत गड़बड़ होने के वक्त डॉक्टरों के पास बच्चों ले जाना चाहिए। इस तरह से उन जानवरों का भी इस तरह का सेवा करना भी चाहिए। अब है अगला, एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, दे मेक आवर वर्ल्ड वंडरफुल, पशु हमारे मित्र हैं, क्या हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, वे हमारी दुनिया को अद्भुत बनाते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों कि एनिमल्स इन डेंजर्स, जानवर खतरनाक जानवर, तो खतरनाक जो है जानवर होते हैं जो, उनके बारे में चलिए हम जानते हैं। ह्यूमंस हैव बीन डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स फॉर अ वेस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डाउन द एज, मनुष्य उम्र के नीचे उत्पादों की एक बड़ी संख्या के लिए जानवर पर निर्भर रहा है, मतलब कि अपनी उम्र को ज़्यादातर जो है बढ़ाने के लिए एक जो है जानवर पर निर्भर रहता है। हंटिंग एनिमल्स फॉर दियर फ्लैश एंड स्किन वॉज प्रैक्टिस्ड इवन बिफोर द स्टोन एज द ओल्डेस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ विच वी हैव रिकॉर्ड्स, मनुष्य
उम्र के नीचे उत्पादों की एक बड़ी संख्या के लिए जानवरों पर निर्भर तो रहता ही है, तो पाषाण युग से भी पहले उनके मांस और त्वचा के लिए शिकार करने वाले जानवरों को बंद कर दिया गया था। मानव इतिहास का सबसे पुराना कालखंड जिसका हमारे पास रिकॉर्ड है यू सीन रॉक पेंटिंग्स और एंशिएंट सील्स शोइंग इमेज ऑफ हंटिंग? क्या आपने रॉक पेंटिंग या प्राचीन मुहारों को शिकार की छवियां दिखाते हुए देखा है? सच पेंटिंग्स कैन बी सीन इन भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, द चौवट एंड लासक्स केव्स इन फ्रांस एंड द अल्टामीरा केव इन स्पेन एमंग अदर्स। इस तरह के चित्रों को मध्य प्रदेश के भीमबेटका, फ्रांस में चौवट और लास्काक्स गुफाओं और स्पेन में अल्टमीरा की गुफाओं में देखा जा सकता है। आज जो है बच्चों, इतना ही टॉपिक। अगले टॉपिक को हम फिर आप लोगों से मिलेंगे।